नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए इस समय उपस्थित हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष बाबूलाल महाजन जी, आपका फिर से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक लंबा अरसा आपने संगठन और सत्ता में रहते हुए बिताया है। पुरानी भाजपा आज से 10 साल पहले की भाजपा, यानी हम ये मान के चले कि शिवराज काल से पहले की भाजपा, उसमें भी आप रहे और वर्तमान में भी आप संगठन का कार्य देख रहे हैं, कितना अंतर पाते हैं आप इसमें? देखो, जब परिवार बड़ा होता है, उस समय परिवार हमारा बहुत छोटा था। 15 साल पहले हमारे पास लिमिटेड कार्यकर्ता थे, पूरे नीचे से पंच से लगा करके प्रधानमंत्री तक कांग्रेस के हुआ करते थे। हम लोग विपक्ष में काम करते थे। वो समय और आज का समय में, आज भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों सदस्य, 1 करोड़ से ऊपर सदस्य मध्य प्रदेश के हैं, यानी आज भारतीय जनता पार्टी का वटवृक्ष के रूप में पूरे देश, पूरे मध्य प्रदेश में फैल चुकी है। तो उस समय की बात और आज की बात में जमीन आसमान का अंतर जो आया, क्योंकि उस समय का कार्यकर्ता, उस समय के कार्यकर्ता की आकांक्षा, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि हमारी सरकार आएगी और आज सरकार में हम लोग हैं, इसलिए अंतर तो आएगा। काम करने की विधि में भी अंतर आएगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम करने की क्षमता में भी अंतर आएगा। 2018 मिशन को लेकर के भाजपा मध्य प्रदेश में जुट चुकी है, लेकिन शिवराज सिंह जी के शासनकाल में व्यापम जैसे व्यापक जो बड़े घोटाले हुए हैं, जिनकी देश और विदेशों में चर्चा हुई है, क्या मानते हैं आप ये सत्ता का जो घोड़ा 2018 को फतेह करने के लिए दौड़ रहा है, उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं साबित होंगी? मैं नहीं मानता व्यापम का घोटाला, क्योंकि वो तो क्लीन चिट हाई कोर्ट भी दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट भी क्लीन चिट देती है, एटीए वो जो गठित की गई थी एटीएम, वो भी तो उसको क्लीन चिट दे चुकी है। यानी किसी प्रकार से उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का कोई रोल उसमें है ही नहीं। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई जो व्यापम से जुड़े रहेगी ना, किन्हीं कारणों से, और काफी संदेहास्पद ढंग से वो उनकी मौत हुई। नहीं, इसको तो जबरदस्ती जोड़ा जा रहा है। वो तो लोगों की जो मृत्यु हुई है, वो मृत्यु मतलब एक अपने अपने किसी व्यक्तिगत कारणों से हुई, उसके अंदर इसका कोई मतलब व्यापम को लेकर के कोई, मैं नहीं मानता कि उसमें कोई इनका व्यापम को लेकर कोई ऐसी बात हुई होगी। तो उसके अलावा भी आप देख रहे हैं डंपर घोटाले, आप स्थानीय स्तर पर देखिए आज किसान जो है वो, उनकी जानकारी सरकार कह रही है कि आप आइए और कंप्यूटर से सारी जानकारियाँ ले जाइए, लेकिन खसरे विवरण के लिए भी आज किसान परेशान है प्रदेश में, खरगोन जिले की यह स्थिति है। देखो, जब देश आगे बढ़ता है, जब कंप्यूटर युग में आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ सर्वर खराब हो गया, कुछ ऐसी बातें, कुछ तकलीफ वाली बात तो होती है, लेकिन उससे भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है, इसको आप क्यों नहीं मानते? 100% भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है। आज जैसे पहले मकान की किस्त आती थी तो सचिव से होकर के, सीओ से होकर के, सरपंच से होकर के उसको मिलती थी, तो उसके तक मतलब जो हितग्राही उसको तक पहुँचते पहुँचते, जैसे राजीव गांधी बोलते थे कि हम 1 रुपया डालते हैं तो 15 पैसे मिलते हैं, आज 1 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार डालती है तो पूरा एक रुपया उस हितग्राही को प्राप्त होता है। लेकिन नर्मदा विकास यात्रा जो निकली थी, शिवराज सिंह जी ने निकाली थी, उसमें उन्होंने 650 करोड़ पौधे लगाने का बोला, और वही जो संत जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, 600 करोड़ क्या, 600 पेड़ दिखने को तैयार नहीं है। थक हार के सरकार ने उनको कैबिनेट का दर्जा दे दिया, हटा भी दिया उनको, लेकिन उनके आरोप तो निराधार साबित नहीं हुए ना, उन आरोपों को लेकर तो सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ। देखो, राजनीति की दृष्टि से आदमी की सोच अलग अलग हो सकती है। ये क्या है, खरगोन में हमने पौधे लगाए, आप जाओ अभी देखो हमारे लगाए पौधे, एक एक जिंदा, 99% पौधे जिंदे हैं हमारे। आप यहीं पर खरगोन मिर्जा के पास में हमको 5000 पौधे लगाने को दिए थे, आप जाकर गिन लो, 4900 से ऊपर ही पौधे आपको जीवित दिखाई देंगे, लगे हुए दिखाई देंगे। तो काम तो हुआ है, बहुत अच्छी तरह से हुआ है। अब कहीं 19-20 हो सकता है, क्योंकि नदी नर्मदा जी के किनारा है, बाढ़ भी आती है, कुछ और भी परिस्थितियाँ बनती है, तो कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमने शुद्ध भावना से 6.5 करोड़ पौधे लगाने का, मुख्यमंत्री जी ने विश्व रिकॉर्ड का ये काम किया और काम हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के साथ जो आपकी एक अच्छा एक मिलाप था, अच्छी एक ट्यूनिंग थी, उसको वो तो जग जाहिर है, और आपने मिलकर के कई अच्छे कार्य भी किए हैं इस दौरान जिले के लिए। अब नए अध्यक्ष आ गए राकेश सिंह जी। देखो, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व जो है वो परिवर्तन एक प्रक्रिया है। आज मैं अध्यक्ष हूँ, कल मैं अध्यक्ष नहीं रहूँगा,
ये एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में 3 साल का एक कार्यकाल होता है, उस कार्यकाल को पूरा करने के बाद में फिर उसको वापस रिपीट करना कि नहीं करना, ये उसकी मंशा। और साथ में तो इसमें नंद कुमार सिंह जी को हटाया नहीं गया, नंद कुमार सिंह जी ने खुद ने समय मांगा कि मेरे को अब अपने लोक, क्योंकि अब समय कम बचा है लोकसभा चुनाव का, उनको फिर से चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने खुद समय मांगा कि मेरे को कुछ समय के लिए आप फ्री कर दो ताकि मैं अपने लोकसभा को क्षेत्र को देख पाऊँ। और उसके बाद भी उनको राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दी गई, तो उनको किस प्रकार से नहीं हटाया, जैसा कि अरुण यादव को हटाया बेआबरू करके उसको बाहर कर दिया और उसको कहीं का नहीं रखा। इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और नंद कुमार सिंह चौहान और अरुण यादव की तुलना नहीं हो सकती, कांग्रेस और भाजपा की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि भाजपा एक अनुशासित संगठन है। यहाँ तो मतलब जो तय हो जाता है, जो मीटिंग के अंदर कोर ग्रुप जो तय कर लेता है उसको फॉलो करना ही पड़ता है, करते ही है। आज राकेश सिंह जी बने हैं, वो भी हमारे माननीय नेता हैं और उनके साथ भी मैंने काम किया है। मेरे लिए राकेश सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी, नंद कुमार सिंह जी चौहान में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि राकेश सिंह जी भी जमीनी कार्यकर्ता रहे, मैं वो पहले भी उपाध्यक्ष रहे पार्टी के, और जब वो सांसद थे तब मेरा अंत्योदय प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश संयोजक होकर मैं जब उनके क्षेत्र में गया तो उनके क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम मेरे मार्फत कराए, इसलिए मेरे लिए वो भी अपरिचित नहीं है। और नंद कुमार सिंह जी का भी जो कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा, काम कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लेकर के विकास के रास्ते पर वो पार्टी को आगे ले गए, उनका काम भी भुलाया नहीं जा सकता, उनका जो योगदान है वो पार्टी में हमेशा कायम रहेगा। निमाड़ क्षेत्र में बाबूलाल महाजन जो है भाजपा की राजनीति नहीं, राजनीतिक क्षेत्र के बड़े बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और उन्होंने सत्ता और संगठन दोनों में बराबर शक्ति से कार्य किया है, उसके बावजूद भी निमाड़ में औद्योगिक विकास जिस स्थिति में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और आपके हिसाब से ऐसी कौन सी संभावनाएं, कौन सी ऐसी स्थितियां बनी जो इस औद्योगिक विकास के रास्ते में रोड़ा साबित? देखो, उद्योग, किसी भी उद्योग डालने के लिए चार बातों को महत्वपूर्ण मानता हूँ। एक तो लगे जाने वाली कैपिटल, पूंजीगत बात, दूसरी उसमें स्किल, अनुभव जिसको अपन कह सकते हैं, तीसरा उसका मार्केट और चौथा उसका संसाधन। ये चार चीज़ें जब एक साथ जुड़ती है तब जाकर के कोई भी कारखाना या कोई भी उद्योग आगे बढ़ पाता है। अब क्या है कि निमाड़ के अंदर दो तीन बातें तो अच्छी है पर दो तीन बातें कमी भी है, जैसे यहाँ पर रॉ मटेरियल की कमी है। जब रॉ मटेरियल आदमी दूर से लाएगा, और मार्केट की भी कमी है, जब दूर मार्केट में बेचने जाएगा तो उसको उस इंदौर के मार्केट से तुलना करेगा तो उसको निश्चित रूप से माइनस होना पड़ेगा, तो वो कारखाना चल नहीं पाएगा ज़्यादा दिन तक, इसलिए यहाँ पर उद्योगों की संभावना। अच्छा, इसके पहले क्या था कि दिग्विजय सिंह के समय में मेरा भी एक कारखाना था, मैं बल्ब का कारखाना डाल करके पूरे ज़िले में, खरगोन ज़िला, बड़वानी ज़िला, धार ज़िला, खंडवा ज़िला, ये 4-5 ज़िलों में मैं अपना माल सप्लाई करता था और बल्ब बनाता था। मेरे पास 80 मजदूर काम करते थे, लेकिन दिग्विजय सिंह के समय में पूरे टाइम बिजली नहीं आती थी, मुश्किल से 1 घंटा बिजली रहती थी और पूरा कारखाना बिजली पर चलता था, तो उसके कारण वो 80 मजदूर दिन भर बैठे रहते थे, उसके कारण मेरे को अपना कारखाना बंद करने की नौबत में आना पड़ा, क्योंकि उसका उत्पादन ही नहीं होगा, लेबर को पैसा देना होगा, बिजली का बिल भरना होगा, सारे इनकम टैक्स और सेल टैक्स देना होगा, गुमास्ता एक्ट के कानून लागू होंगे, तो ऐसी स्थिति में कारखाना जीवित नहीं रह सकता, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो ये निमाड़ के साथ एक बड़ी त्रासदी थी, आज निमाड़ बहुत आगे बढ़ा है, आज हमारे पास अच्छी बढ़िया सड़कें बनी है, आने वाले टाइम में 4 लेन सड़कें बन रही है, रिंग रोड बनाई जा रही है, बाईपास रोड बनाई जा रही है, रोडें अच्छी हो गई है, बिजली अब 24 घंटे उपलब्ध है, अब कोई कारखाना अब जो लोग डालेंगे वो निश्चित रूप से सफलता के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास आगे बढ़ने के चांसेस होंगे, इसके पहले चांसेस नहीं थे, इसलिए निमाड़ पिछड़ता गया, लेकिन अब निमाड़ आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है, क्योंकि अब रेलवे कनेक्शन भी हमारे पास आ रहा है। मैं अभी बीच में गडकरी जी से नई दुनिया के कार्यक्रम में मिला था, गडकरी जी से चर्चा हुआ, उन्होंने कहा कि हम 4 महीने के अंदर मनमाड़ महू रेलवे लाइन का काम शुरू कर देंगे, और आपको मालूम ही है कि हमारे पास में जो डालची है, सेल्दा, वहाँ तक की रेलवे लाइन आ ही रही है, यानी रेलवे लाइन से खरगोन आज तक अछूता था, केवल कांग्रेस के नेता रेलवे लाने के नाम पर चुनाव जरूर जीते, लेकिन आज वास्तव में हमारा रेलवे का सपना पूरा होने के कगार पे खड़ा है। अब कुछ ही सालों की बात है कि अब हमारे पास डालची में भी रेलवे लाइन होगी जो मध्य रेलवे लाइन को टच करेगी, और हमारे पास हम से 20 किलोमीटर आगे हमारे पास मतलब पश्चिमी रेलवे लाइन भी होगी जो मतलब हमारे लिए बॉम्बे और उधर का सारा रास्ता खोल देगी। देखिए, खरगोन शहर के विकास को लेकर 2032 की एक योजना बनी हुई है, लेकिन
शहर में आपने जैसे अभी बताया कि रिंग रोड वगैरह बनने का है, खरगोन शहर को बायपास की अभी बहुत आवश्यकता है। इतना यहाँ पे क्राउड बढ़ गया है, यातायात बढ़ गया है कि आज शहरों पे वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन बार बार बायपास की बात होती है, बायपास का रूट फिक्स होता है, बायपास का सर्वे होता है, लेकिन बायपास का लोकार्पण आज तक शिलान्यास नहीं हुआ। नहीं नहीं अब होगा, अभी उसकी अंतिम बैठक हुई थी कलेक्टर अशोक वर्मा जी के नेतृत्व में, बाहर से लोग भी आए थे और उसके अंदर जो बायपास का जो प्लानिंग बना, क्योंकि चित्तौड़ भुसावल राजमार्ग जो बन रहा है ये 4 लेन बन रहा है। अब चित्तौड़ भुसावल जो राजमार्ग बन रहा है उस मार्ग के अंदर एक पूरा का पूरा कसरावत के वहाँ भी रिंग रोड बनने वाला है, एक खरगोन के आसपास भी रिंग रोड बनने वाला है और यही का ही आगे बिस्टान में बनने वाला है, उसके आगे चिड़िया में बनेगा। इस प्रकार से 4 जगह अलग अलग रास्तों को जोड़ते हुए, जैसे खरगोन में बनेगा तो खरगोन में खंडवा रोड भी जुड़ेगी, सनावत रोड भी जुड़ेगी, बिस्टान रोड भी जुड़ेगी और आपकी कसरावत वाली रोड भी जुड़ेगी और जुलवाने वाली रोड भी जुड़ेगी। तो जब चारों तरफ से जुड़ेगी तो ट्रैफिक भी अपना शहर का जो एक लोड है ट्रैफिक का वो भी कम होगा और नगर का विकास के अंदर 4 चांद लगेंगे निश्चित। ये मान लिया जाए कि अभी बस कुछ ही महीनों में काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी अंतिम बैठक भी हो गई और अंतिम बैठक के अंदर जो निर्णय हुआ वो निर्णय ऊपर जा करके लगभग उसके टेंडर की स्थिति में वो आ गया है। अब बहुत जल्दी ये सब रोडें बनेगी, रोड का काम बहुत तेजी से चलेगा, हो ही रहा है। 2018 के चुनाव में भाजपा के मुख्य मुद्दे क्या होंगे? विकास तो हमारा मुख्य मुद्दा है कि हमने जो विकास किया वो विकास कांग्रेस के 65 साल 60 साल और हमारे 15 साल उससे बहुत ज़्यादा भारी है। पूरे मध्य प्रदेश में कहीं बिजली नहीं थी, कहीं सड़कें नहीं थी, किसानों का जो इरिगेशन था वो 7 लाख एकड़ में था, आज वो पहुँचते पहुँचते 55 लाख हेक्टर में पहुँच गया है और मैं सोचता हूँ कि आने वाले टाइम में 1 लाख हेक्टर में सिंचाई का काम होगा। सिंचाई होने के कारण जब किसान को पानी मिल जाएगा किसान समृद्ध होगा और किसान समृद्ध होगा तो व्यापार भी समृद्ध होगा, किसान और व्यापार समृद्ध होगा तो मध्य प्रदेश की गति दिशा और गति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। आज 25% सबसे यदि विकास दर सबसे अधिक यदि किसी के हिंदुस्तान के अंदर है तो मध्य प्रदेश की है। लेकिन ग्राम भसनेर जो खरगोन जिला मुख्यालय से नजदीक है वहाँ किसान सड़क के लिए कल राज्य मंत्री के सामने विरोध कर रहे थे। भावंतर योजना में प्याज की बिक्री के लिए खरगोन मंडी पंजीकृत नहीं है, आपके सामने उन्होंने विरोध जाहिर किया। कुछ तो छोटी मोटी नहीं नहीं वो रोड भी मंजूर हो चुकी है, खरगोन भुसावल वाली रोड, ये खरगोन और भसनेर वाली जो कुमारखेड़ा भसनेर होकर जाती है वो रोड भी मंजूर हो चुकी है, वो भी रोड बन रही है, काम सबका शुरू होता है। जब पूरा खरगोन जिला भंगार जैसा था, सड़कों के नाम की कोई चीज़ नहीं थी, आज उसके अंदर इतनी सड़कें बनाने में कुछ समय तो लगेगा। और ये जो आप भसनेर की बात कर रहे हैं, मैं विधायक बना तो सबसे पहले भसनेर का जॉइंट करने वाला जो पुल था वो पुल ही नहीं था, लोग डाल की नदी में से निकल के आते थे, वो पुल का निर्माण मैंने अपनी पूरी 16 लाख रुपए की राशि देकर के, विधायक निधि देकर के वो पुल का मैंने सबसे पहले निर्माण कराया। यानी विकास की तरफ तो भारतीय जनता पार्टी पूरा ध्यान देती है और विकास की आप खुद जाओ, आप खरगोन का हॉस्पिटल जाके देखो, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है, हर चीज़ में परिवर्तन, रोडों में भी परिवर्तन आ गया है, बिजली में भी परिवर्तन आ गया, किसान की माली हालत, आप गांव में जाओ किसानों की माली हालत में बहुत सुधार हुआ है, आप गांव में बड़े बड़े भवन मिलेंगे, मकान मिलेंगे। एक ज़माना था मैं जाता था, जब एक बार मैं दावड़ गया हुआ था गांव में, वहाँ जाकर के चौपाल में बैठ के 15-20 किसानों के बीच बैठा था, एक गाड़ी आई, गाड़ी की आवाज़ आई 554 नंबर की गाड़ी और 554 लोगों ने कराया और सब उठ उठ कर घर से वहाँ से सब भागे और भाग करके अपने घर पर ताला लगा करके सब भाग गए। बाद में पता लगा कि वो गाड़ी भूमि विकास बैंक की थी और भूमि विकास बैंक के लोग अनाउंस करते थे उस व्यक्ति को, जलील भी करते थे नाम, और वहाँ पर उनके यहाँ के बेल खींच के ले जाते थे, उनके यहाँ के पहिए खींच के ले जाते थे, उनके यहाँ के बर्तन भांडे ले जाते थे, उनके यहाँ के भैंस जानवर ले जाते थे। तो इतनी दुर्दशा कांग्रेस के ज़माने में रही है, कांग्रेस किस मुँह से बात करेगी किसान के बारे में, क्या बात करेगी, क्या विकास की बात करेंगे, कि उसने मध्य प्रदेश को कितना पीछे धकेला, किसान को कितना रुलाया, उसके कितने आंसू थे, उन आंसुओं के बारे में एक बार यदि सोचा जाए तो किसान उसको अपने दिल पर हाथ रख करके सोचे तो उसको लगेगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ख़ास करके शिवराज सिंह जी की सरकार ने बहुत ज़्यादा विकास के काम भी किए और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को उसको उत्पादन का अच्छा मूल्य मिले इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है। यानी ये मान के चला जाए कि जिस प्रकार से नंदू भैया सेवानिवृत्त हुए हैं, शिवराज जी अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेगी भाजपा? बिल्कुल, 2018 का चुनाव शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ही होगा और हम चौथी बार फिर सरकार में आएंगे। और ये भी मान लिया जाए कि अगली सरकार में खरगोन शहर की जनता, यहाँ के जो जिला अध्यक्ष बाबूलाल जी महाजन, इनको कैबिनेट में देखेगी? देखो, पार्टी के अपन सिपाही हैं,
भारतीय जनता पार्टी, आप विधायक थे उसी समय, इन चीजों को लेकर चर्चा थी कि इस बार अब खरगोन जिले से किसी भी को मंत्रिमंडल में यहाँ पे प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। उस समय ये चर्चा थी क्या विधायक बाबूलाल महाजन जो है कैबिनेट में शामिल होंगे, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा, लेकिन ये तब भी न हो सका। तो क्या माना जाए 2018 की सरकार में एक बार फिर से आप सत्ता की ओर रुख करेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है और हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये इस राष्ट्र के लिए काम करते हैं, इस देश की जनता का उत्थान के लिए काम करते हैं। हमारा एक स्वाभाविक सोच है, हम सेवा के भाव से राजनीति में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अनुशासित पार्टी है, उनका वो जिस खिलाड़ी को कभी बैटिंग के लिए तो कभी बॉलिंग के लिए जहाँ भी वो खड़े करती है हम वहाँ पर खड़े होते हैं। पार्टी जो आदेश देगी भारतीय जनता पार्टी उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपसे चर्चा करके बहुत ही अच्छा लगा। केंद्र में, राज्य में और निमाण में भाजपा ने जो भी विकास कार्य किए उन सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ बातचीत की भाजपा के जिला अध्यक्ष बाबूलाल जी महाजन से। हमने बात की मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात पर। हमने बात की उनके खुद के राजनीतिक भविष्य को लेकर कि अगला उनका जो रूप होगा, जो उनका कार्य क्षेत्र होगा, सत्ता होगी या संगठन, इसको वो बड़ी चतुराई से टाल गए, लेकिन हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ।